दोस्तों, ये बात किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कि डस्की स्किन वाली बंगाली और मराठी अभिनेत्री काजोल ने अपनी बेहतरीन अदायगी से ही बॉलीवुड में अपना इतना नाम बनाया है कि ये आज सबसे ज्यादा अमीर और शोहरत पाने वाली एक्ट्रेस में शुमार हैं, जिनकी पुरानी यादगार फिल्मों को लोग आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री काजोल भी अपनी चार पुरानी फिल्मों को बहुत याद करती हैं, जिस फिल्म से इनकी अलग अलग यादें और फीलिंग जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार फिल्मों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री काजोल याद करके इमोशनल हो जाती हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन्हीं चारों फिल्मों के बारे में। नंबर एक पर है बाजीगर। शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर से भरपूर मूवी बाजीगर को शायद ही कोई भूल पाया हो, जो काफी ज्यादा यादगार रही है, और यही यादगार फिल्म काजोल को खूब याद आती है। इस फिल्म का गाना ये काली काली आंखें इतना ज्यादा हिट हुआ था कि इस गाने में शाहरुख से ज्यादा काजोल की तारीफ की गई थी। ऐसे ही न जाने इस फिल्म से जुड़ी कितनी ही पुरानी यादें हैं जो हमेशा ताज़ा ताज़ा काजोल को इस फिल्म की याद दिलाती हैं, और अपनी पुरानी फिल्म बाजीगर को आज भी ये उतना ही पसंद करती हैं जितना कि रिलीजिंग के टाइम पर किया करती थी। नंबर दो पर है कुछ कुछ होता है। बॉलीवुड के किंग खान और काजोल की मोस्ट रोमांटिक मूवी है कुछ कुछ होता है, जिसमें काजोल को अपनी जोड़ी शाहरुख खान और सलमान खान के अपोजिट बहुत ही प्यारी और स्वीट लगी थी। ये फिल्म भले ही ब्लॉकबस्टर थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इस फिल्म की कहानी पर्सनली इन्हें इतना ज्यादा टच करती है कि जब भी ये खाली बैठी होती हैं तो फिल्म कुछ कुछ होता है जरूर देखती हैं। साथ ही काजोल अपने पुराने टाइम को याद करती हैं कि इन्होंने एक स्वीट सी चंचल सी लड़की अंजलि का किरदार निभाकर करोड़ों लोगों को अपना मुरीद कर दिया था। काजोल चाहती हैं कि आज भी कोई दूसरी हीरोइन इस तरह की स्टोरी में काम करके वही मोमेंट में मैजिक क्रिएट करे जो इन्होंने कभी इस फिल्म में किया था। नंबर तीन पर है कभी खुशी कभी गम। साल 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि काजोल को भी बहुत खूब याद आती है, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से लव ड्रामा के साथ साथ एक पारिवारिक मूवी भी है, जिसे रिश्ते की अहमियत को दर्शाने के लिए स्पेशली करण जौहर ने बनाया था। इस फिल्म की सेंसेक्स की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, मगर इस फिल्म में काजोल का एक अलग इंटरेस्ट है, जो ये कि इस फिल्म के दौरान ही काजोल अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, तभी काजोल इस फिल्म को ही याद नहीं कर रही बल्कि अपना पहला प्रेगनेंसी टाइम भी खूब याद कर रही है, जहां पर ये फिल्म की शूटिंग के साथ मदरहुड को भी फील कर पाई थी। नंबर चार पर है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को भूल सकते हैं, जिसके गाने आज भी लोगों को इमोशनल कर जाते हैं, और ठीक कुछ इसी तरह से अभिनेत्री काजोल को भी अपनी ये हद से ज्यादा कमाऊ मूवी इतनी ज्यादा याद आती है कि बस ये सोच में पड़ जाती हैं कि इन्होंने कैसे इतनी कम उम्र में इस फिल्म में एक छोटी सी लवर सिमरन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो अपने माँ बाप से लड़कर भी अपने प्यार को नहीं छोड़ती। काजोल को इस फिल्म की शूटिंग का हर वो मोमेंट याद है जो इन्होंने फिल्म के हर छोटे बड़े कलाकार के साथ बिताया था, और इन्हें इस फिल्म में अमरीश पुरी अपने पिताजी के रूप में इतने ज्यादा याद आते हैं कि ये कभी कभी उन्हें याद करके रो पड़ती हैं। ऐसे में ये फिल्म इनकी जिंदगी की वो फिल्म रही है जिसमें इन्होंने आधे बॉलीवुड को एक ही सेट पर पाया था, और इसीलिए DDLJ फिल्म काजोल के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो दोस्तों, काजोल की इन सभी यादगार फिल्मों में कौन सी फिल्म है जो आपको भी कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती है? आप उस फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी और भी मसालेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।